मुश्किल पे तवे पर जौ की रोटी पक गई। अरे सिद्धावास तवे पर जौ की रोटी पक गई। 2023 में बहुत सारे हजरात चांद पे गए। चार मिश्रा मौलाना अवैज़ साहब कासमी दावत बरकातहू का हुक्म है, सैयद मंदर साहब, अबुल कलाम बाबू, ये तमाम उलमा इकराम ने बेपनाह मोहब्बतों से नवाजा है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने चार मिसरे उठा कर कहे, जब हिंदुस्तान को हमें फख्र है, मुझे भी फख्र है कि हमारे हिंदुस्तान के लोग चांद पे गए, मगर उस चांद पे जाने वाले उसमें दो मुस्लिम भी थे। ये गोदी मीडिया वाले ये नहीं बता रहे कि चांद पे कोई कलमा पढ़ने वाला भी गया। हाय हाय, मगर इस दुनिया क्यों नहीं मानती कि चांद पे जाने के बाद फंस भी बात है, मगर हमारे और आपके आका रहमतुल मुस्लिमीन नहीं रहमतुल लिल आलमीन 1458 साल पहले अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद ही पर नहीं कहां तक गए, पेश करता हूं इरशाद नवाजी हजरत तवज्जो का। मौलाना तजम्मुल साहब, अभी आप उमरा से होकर के आए हैं, एक नज्म पढ़ूंगा इंशाल्लाह, बड़ी मकबूल नज्म हुई है मुलायदा वाले के साथ सारी दुनिया चांद पर तो सुभान अल्लाह के सारी दुनिया चांद पर तो जाते जाते थक गई, सारी दुनिया चांद पर तो जाते अल्लाह कबूल फरमाए। मुझे सच्चे दिल से अल्लाह सच्चे दिल से मैं सुनाऊं, माशाल्लाह। सारी दुनिया चांद पर तो जाते जाते थक गई, वो सऊदी अरब के हो चाहे हमारे हिंदुस्तान के हो, एक शेर तमाम बादशाहों की नजर करता हूँ जो गद्दे पे बैठ कर के कुछ ऐसे हैं जो इंसाफ नहीं करते, एक शेर पेश करता हूँ। बात मैं भी बता दूं दिल भाई, भाई जनाबे दिल खैराबादी हमारे सामने मौजूद हैं, सिर्फ तरन्नुम के बेताज बादशाह नहीं बल्कि शायरी के भी बादशाह हैं।
इतना बड़ा शेर इतने आसान लबो लहजे में आप लोगों के लिए कह दिया, जिसको बरसों तक कहना मुश्किल है दूसरे शायरों के लिए, ये शायरी की भी मेराज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बार फिर से पढ़िए। मेरी कोई औकात नहीं खुदाए पाक की कसम कि मैं दो जुमला भी कह दूं। मेरे आका एक शेर मेरे वालिद जब जिंदा रहते थे तो उस वक्त मौलाना गुफरान साहब मेरे वालिद साहब ने एक बात कही कि वो रब्बुल इज्जत एक ही है, कोई दूसरी उसकी जात नहीं। वो रब्बुल इज्जत एक ही है, कोई दूसरी उसकी जात नहीं। अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस की बात नहीं। अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस की बात नहीं। ये अल्लाह ताला ने तौफीक दी, ये शेर मेरे हिस्से में आया। अब वो शेर हाजिर करता हूँ। वो बादशाह वक्त जिनका नाम अकीदत से लिख, मेरा ये अकीदा है, मैं सुन्नी अकीदे का शायर हूँ। मेरा ये अकीदा है कि ये वो नाम मैं पढ़ने वाला हूँ कि आप बावजूद हो करके सिर्फ उमर फारूक अपने दरवाजे पे लिख दीजिए, किसी शैतान की मजाल नहीं है कि दाखिल हो जाए। सारी दुनिया पर हुकूमत के पुष्ट पर, देखिए बादशाह है और फिकर क्या है कि पुष्ट पर गल्ला लिए क्या आ गए हजरत उमर। सारी दुनिया चांद पर तो जाते जाते थक गई, मेरे आका सवारी अर्श आजम तक गई, मेरे आका की सवारी अर्श आजम तक गई। पीठ पर गल्ला लिए क्या आ गए हजरत उमर, पुष्ट पर गल्ला लिए क्या आ गए हजरत उमर, तवे पर चौ की रोटी पक गई। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, मैं पढ़ूंगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह। पुष्ट पर गल्ला लिए क्या आ गए हजरत उमर, आ गए हजरत उमर, तवे पर चौ की रोटी पक गई, एक मुफ़लिस की तवे पर चौ